हे फ्रेंड्स, टेक एलाइट इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे भारत का भौगोलिक विभाजन। सबसे पहले जब भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं तो भारत के भौगोलिक विभाजन को चार भागों में बांटा गया है। अब ये चार भाग कौन कौन से आ जाते हैं? चार भागों की बात करें तो कौन कौन से चार भाग, तो पहला जो भाग है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे भाग की बात की जाए तो वो था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा भाग हमने देखा था कि भारत का दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तो दक्षिण भारत का जो पठार है वो तीसरा भाग है। और चौथा है द्वीप समूह, द्वीप समूह। बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है, जो कितने हैं तो वो चार हैं। कौन कौन सा? तो पहला हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया वृहद हिमालय, तीसरा हो गया लघु हिमालय, चौथा हो गया शिवालिक, और इसी में हम उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को भी पढ़ चुके हैं, साथ में उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ मतलब नागा हिल्स, मीजो हिल्स, और हमने गारो, खासी, जयंतिया, जिन पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है वो आएगा हमारा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक के बाद में। बात करते हैं विशाल मैदान की, तो विशाल मैदान को भी चार भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा भाबर प्रदेश, जो कंकड़ पत्थर वाला एरिया है। इसी के बाद हम देखते हैं एक है तराई प्रदेश, जो कि दलदल वाला क्षेत्र है। दूसरा आ जाता है बांगर प्रदेश, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। चौथा आ जाता है खादर प्रदेश, और लास्ट में आता है एक और डेल्टा। मतलब इसे पांच भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया। डेल्टा को किसी किसी किताब में नहीं बांटा जाता। बात करें कि भारत के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की, तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने पांच भागों में बांटा है। अब ये पांच भाग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो कहलाता है केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि, केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसमें नर्मदा नदी के ऊपर वाला भाग, मतलब जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश, जिसको नर्मदा नदी जहाँ से बहती है उसके ऊपर का क्षेत्र, मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, विंध्याचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, ये जो है वो केंद्रीय मध्यवर्ती क्षेत्र में आते हैं। अगला है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में हमारा मध्य प्रदेश के नीचे वाला, महाराष्ट्र के पास वाला दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटका या फिर मैसूर का पठार आता है। पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार में हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी बेसिन वहाँ पर आता है। बात करते हैं हम कि और उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी पठार की जब बात करते हैं तो उसमें हम मेघालय का शिलोंग पठार देखते हैं। दक्षिण के पठार की बात करें तो उसे हमने दो भागों में बांट दिया, एक हो गया पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया पूर्वी घाट। देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो कहलाता है केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि, केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि। दूसरे भाग की बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप भी जिसे कहा जाता है, तो एक हो जाएगा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में तीन भाग में बटा होगा, एक होगा महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और दूसरा हो जाएगा कर्नाटका का पठार। बात करते हैं पूर्वी पठार की, पूर्वी पठार में हमारा छत्तीसगढ़ वाला पठार आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का पठार, महानदी बेसिन और साथ ही साथ में छोटा नागपुर का पठार। उत्तर पूर्वी पठार की बात करें तो उत्तर पूर्वी जो पठार है हमारा वो होगा उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार की बात करें तो वो होगा हमारा मेघालय वाला भाग। वहीं हमारा एक और आ जाएगा जो पठार का भाग है, जो कि महत्वपूर्ण है, जिसे कहीं कहीं हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार में सीधे ही ले लेते हैं, जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो एक तरफ में हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और एक साइड में हो जाएगा इसी में हमारा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, जो कि कहलाता है दक्षिण भारत का पठार। देखिए, उत्तर के विशाल मैदान को हमने पांच भागों में बांटा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत अलग है। जो हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है उसे हम बांट रहे हैं पांच भागों में, लेकिन इसके बारे में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो पठार था ये कभी भी पहले से यहाँ पर स्थित नहीं था।
अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ पे भारत के क्षेत्र में अभी वर्तमान में प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र देख रहे हैं वो वहाँ पर नहीं था। तो वो आया कहाँ से? देखिए क्या हुआ, बहुत समय पहले की बात है, आप हजारों करोड़ों सालों पहले की बात समझ सकते हैं कि कम से कम हजार करोड़ लाख साल पहले की बात है, जब हमारा जो गोंडवाना लैंड वाला भाग था वो नीचे स्थित था। नीचे किस तरफ में? देखिए हम जब ज्योग्राफी शुरू कर रहे थे तो उस समय में हमने पृथ्वी पर महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। तो पृथ्वी पर जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अर्थात ये हमने हमारी पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पर तीन रेखाएं हैं। पहली रेखा है कर्क रेखा, दूसरी है विषुवत रेखा और तीसरी है मकर रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर स्थित है और इस अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ से हमारा भारत टूटकर इस वाले भाग से टूटकर अलग हुआ। हमारा भारत अफ्रीका के क्षेत्र से टूटकर धीरे धीरे समयांतर के साथ में ऊपर बढ़ता गया। तो अफ्रीका से होते हुए, अफ्रीका के किनारे से होते हुए ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो ऊपर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इसे बढ़ने में बहुत टाइम लगा। मतलब आप सोचिए कि अभी वर्तमान में पूरे एक साल में ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर सरकता है कोई भी एक स्थान दूसरे स्थान पर। तो यहाँ से पूरी पृथ्वी की तीनों रेखाओं को पार करके ऊपर आने में कितना समय लगा होगा? इसी से हमें ये बात समझ में आती है कि ये बहुत ही समय पहले की बात है। और जब भारत यहाँ पर आकर हमारे इस वाले भाग में जब आके टकराया होगा, तो जब दो प्लेटों की टक्कर हुई होगी, एक साइड पे हमारा दक्षिण भारत की प्लेट रही होगी और दूसरे साइड में हमारे अरब सागर की जब प्लेट रही होगी, तो इन दोनों की टक्कर होने से नीचे का जो लावा है वो ऊपर आया होगा। वो कैसे हुआ होगा? देखिए मान लीजिए आप, ये एक बाउल में मैंने पानी लिया है, तो ये हमारा हो गया अरब सागर की प्लेट। क्योंकि अरब सागर ऊपर ऊपर में पानी तो नहीं है, पानी तो पूरा नीचे तक है ना, तो जो नीचे एक प्लेट उसको संभाल रही है ये हो गई अरब सागर की प्लेट। वही दूसरे साइड में हमारी आती है गोंडवाना लैंड की प्लेट, जो कि नीचे अफ्रीका से टूट कर आई है। और जब ये प्लेट नीचे से अफ्रीका से टूट कर ऊपर आती है, तो इन दोनों में होती है टक्कर, और टक्कर होने की वजह से यहाँ पर पानी जो रहता है वो नीचे जाता है, और पृथ्वी के अंदर क्योंकि बहुत सारा लावा है, तो दो चीज़ों की टक्कर होने से, जब दो चीज़ों की अचानक से टक्कर होती है, तो बहुत सारा लावा पृथ्वी के ऊपर आता है। और लावा के ठंडे होने से, मतलब मैग्मा के ठंडे होने से, यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र बना और यहाँ पर परत दर पतर काली मिट्टी, परत दर पतर लावा जो है वो बिछता गया, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं खनिजों की इतनी अधिकता है। ठीक, फिर से कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए होता क्या है कि दो प्लेटें हैं, एक है गोंडवाना लैंड के पास से हमारी अफ्रीका से चल के आ रही है जो दक्षिण भारत की प्लेट है वो। अब दक्षिण भारत की जो प्लेट है, भारत के नक्शे में ये हमारा भारत का नक्शा है, ये हमारा भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शे में जो ये दक्षिणी वाला, देखिए ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, मतलब जो नीचे का भाग है, वो बाद में आके भाला ऊपर वाले भाग से टकराया है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और दोनों तरफ में जल बहुत ज़्यादा है, तो हुआ ये कि जल वाली जो प्लेट थी, मतलब ये जो हमारी अरब सागर की प्लेट थी, ये तो यहाँ पे थी, लेकिन नीचे से गोंडवाना लैंड की प्लेट आई और इनके बीच में बहुत ज़्यादा तेज टक्कर हुई। और जिस टक्कर के होने की वजह से पृथ्वी के अंदर क्योंकि लावा स्थित है, तो पृथ्वी के अंदर का जो लावा था वो बाहर आया, और पृथ्वी के अंदर का जो लावा बाहर आया तो एक ही बार में लावा नहीं आएगा बाहर, तो इस वजह से लावा बार बार में बहुत सालों तक ज्वालामुखी फूटता रहा और लावा आता रहा। पृथ्वी के भूगर्भ पे होने वाली हलचल के कारण ही ज्वालामुखी आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारा लावा आया और बहुत बार ज्वालामुखी फूटे, जिसकी वजह से ज्वालामुखी की वजह से एक बार लावे की परत जमी, इसके ऊपर एक और बार लावे की परत जमी, फिर एक और बार लावे की परत जमी। इस तरह से बहुत बार लावे की परत जमने के कारण जब वो ठंडा हुआ, वो मैग्मा जब पूरा ठंडा हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म दब के मर गए, बहुत सारे जीव ऐसे थे जो मर गए, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं बहुत सारे खनिज और काली मिट्टी का क्षेत्र दिखाई देता है। मुख्य रूप से यह टक्कर इस वाले भाग में हुई थी, इस वाले भाग में बहुत ज़्यादा टक्कर होने के कारण यहाँ के जो चट्टाने हैं, जो कि दक्कन ट्रैप की चट्टाने जिन्हें कहा जाता है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टाने बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार लावा का उद्गार हुआ, बहुत बार लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई, जिस वजह से ये चट्टानें बहुत ज्यादा जो है मजबूत हो गई। अब आप खुद सोचिए, जब ज्वालामुखी यहाँ पर फटा है, मतलब यहाँ पर जब हम देखते हैं टक्कर हुई है, तो क्या सिर्फ इसी क्षेत्र में ज्वालामुखी फूटेंगे या इसी क्षेत्र में लावा बहेगा? नहीं, ज्वालामुखी का बहुत सारा भाग जो है वो इस क्षेत्र से आगे बढ़कर यहाँ भी ज्वालामुखी फूटे, कुछ यहाँ पर भी ज्वालामुखी टूटे, कुछ यहाँ भी और कुछ यहाँ पर भी। वैसे ही ज्वालामुखी जब यहाँ पर फूटे थे तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ वाले क्षेत्र में ही हमें क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। मतलब बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र कहाँ पर है? तो बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र यहाँ है। वो कैसे मिल रहा है पेट्रोल, कैसे हमको जीवाश्म प्राप्त हो रहा है? क्योंकि ज्वालामुखी फूटे हैं, ज्वालामुखी के फूटने कारण लावा बना, लावा बाहर मैग्मा निकला, और मैग्मा जब बाहर निकला वो ठंडा हुआ, कार्बन के बहुत सारे पदार्थ नए नए बने, ये बहुत टाइम तक हुआ है। ठीक, देखिए जिस भाग में जितनी ज़्यादा वनस्पति होगी वहाँ पे उतना ज़्यादा हमें जैव विविधता दिखाई देगी, वहाँ पर उतना ज़्यादा हमें बाद में कार्बन मिलेगा, वहाँ पर हमें उतनी ज़्यादा बाद में खनिज मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के खनिज मिलेंगे। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि क्योंकि लावा तो यहाँ पर फटा है ना, लावा यहाँ पे आया, मैग्मा यहाँ आया, यहाँ पे दक्कन ट्राइब की चट्टानों का निर्माण हुआ, तो सबसे ज़्यादा खनिज हमें तो यहाँ मिलने चाहिए। एग्जैक्टली, पर खनिज हमें यहाँ क्यों मिलते हैं और क्यों भी मिलने चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पश्चिमी घाट वाला भाग है, मतलब जो ये वाला भाग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा खनिज तो हमें मेन रूप से यहाँ मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत है। लेकिन वर्तमान की कंडीशन है ना, ये तो अभी वर्तमान की कंडीशन है, लेकिन इसके पहले करोड़ों लाखों साल पहले जब भारत हमारा नीचे था, मतलब हमारा जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, जो वो पृथ्वी में हमारे मकर रेखा के नीचे यहाँ पर स्थित था, ये तीन रेखा मकर रेखा के नीचे जब स्थित था, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि नियम के अनुसार, फेरिक के नियम के अनुसार, कि हवाएं ऊपर तरफ में एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर तरफ में क्लॉकवाइज चलती है, वहीं नीचे तरफ में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। जब हमारे भारत में वर्तमान में जो हवाएं हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में, वो जब इस प्रकार से चलती हैं, तो हमारे यहाँ भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा होती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम उल्टी देखें कि भारत में मान लीजिए हवाएं अगर ऐसी चल रही होती, तो वर्षा इस भाग में होती और इस भाग में बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती। तो वही सिस्टम हुआ है, हुआ ये कि बहुत सालों पहले वर्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इस भाग में हुआ करती थी, क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग जो था वो नीचे अफ्रीका के पास स्थित था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे जैविक विविधताएँ मिलती हैं। धीरे धीरे समय के साथ जब भारत ऊपर आया और ज्वालामुखी विस्फोट हुए, तो बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर दब के मर गए, और जिनके कारण हमें वर्तमान में आज यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक, ये दोनों कहानियाँ आपको बहुत इजी तरीके से याद रहेंगी कि ये हमारी अरब सागर की प्लेट है, ये हमारा गुंडवाना लैंड है नीचे वाला भाग। जब इन दोनों में होती है टक्कर, तो ज्वालामुखी निकलता है, और ज्वालामुखी के निकलने से लावा निकलता है, और लावा के निकलने से हमारी काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र का, हमारा मध्य प्रदेश का नीचे वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में बिखर गया। ठीक, अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक जो था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में हमने देखा कि इसे पांच भागों में बांटा गया है। देखिए, हमारा जो नर्मदा नदी का क्षेत्र है, मतलब जो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है, और यहाँ से जो है नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो केंद्रीय उच्च भूमि कहलाता है, केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाता है नर्मदा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र। तो दक्षिण के पठार में यहाँ पर का भी कुछ पठार शामिल होता है, जिसे ही हम केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि में रखते हैं। कौन कौन से पठार हैं? देखिए, एक पठार हो जाता है अरावली, जो कि जाता है सीधे गुजरात से दिल्ली तक। एक पठार हो जाएगा अरावली, जो कि जाता है सीधे गुजरात से दिल्ली तक। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक पड़ता है मालवा का पठार, जो कि उज्जैन के पास पड़ता है। ऊपर पड़ता है बुंदेलखंड, जहाँ से मस्तानी, आपको याद होगा बाजीराव मस्तानी, जहाँ से मस्तानी को लाया गया था वो था बुंदेलखंड। बात करते हैं बघेलखंड की। बघेलखंड मतलब रीवा, सतना, सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र, जहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, वहाँ वाला क्षेत्र है। तो बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है,
ऊपर आ जाएगा यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिससे नर्मदा नदी निकलती है, एक और पर्वत श्रृंखला आ जाती है जिसे कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण इस टॉपिक पे याद नहीं रखना है। केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र जिसमें 5 पर्वत श्रृंखलाएं आपको याद रखनी है, बुंदेलखंड पर्वत श्रृंखला, बघेलखंड पर्वत श्रृंखला, मालवा, उसके बाद हम अरावली याद रखेंगे और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा की बात की जाए, सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा मैकाल पर्वत श्रृंखला, दूसरा है हमारा महादेव पर्वत श्रृंखला और तीसरा है हमारा राजपीपला की पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी पठार की। पूर्वी पठार मतलब देखिए केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि वाला पठार ये हो गया। पूर्व की बात करेंगे हम जब थोड़ा पूर्व में आए, मतलब छत्तीसगढ़ वाला भाग अर्थात ये, तो छत्तीसगढ़ बेसिन पहला हमारा, छत्तीसगढ़ में खनिज, उसके बाद आ जाएगा दंडकारण्य क्षेत्र, उसके बाद आएगा हमारा झारखंड का छोटा नागपुर का पठार। तो 3 पठार, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और दंडकारण्य वन वाला क्षेत्र जो है वो पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। दक्कन ट्रैप की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का पूरा एरिया दक्कन ट्रैप, फिर आएगा हमारा कर्नाटका का एरिया और फिर आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का एरिया। तो ये तीनों पठार मिलाकर दक्कन ट्रैप बनाते हैं। बात करेंगे उत्तर पूर्वी पठार की, तो उत्तर पूर्वी पठार हमारा मेघालय के पास, मतलब यहाँ पर जो मेघालय के पास शिलोंग है, शिलोंग में जो 3 पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मिलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी मानी जाती हैं। बात करते हैं उसके बाद हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखिए पश्चिमी घाट मतलब यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उसे कहा गया पश्चिमी घाट, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा गया पूर्वी घाट। ठीक, एक बार हम भारत का मैप बनाते हैं फिर से अच्छे से। देखिए आपको कैसे चीजें समझनी है, ये हमारा भारत का मैप, देखिए भारत के इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पठार दिखाई देंगे। पठार कौन सा क्षेत्र है, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का है, ये क्षेत्र हमारा प्रायद्वीपीय पठार का है। इसके बीच में से नर्मदा नदी निकलती है जो कि इस ओर बहती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, ये नर्मदा नदी जो कि पश्चिम के ऊपर बहती है। ऊपर हमने बात की कौन कौन से पठार की, एक हो गया मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। नीचे बात करेंगे कौन कौन से पठार हैं, तो एक हो जाएगा हमारा सबसे पहले महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, उसके बाद हमारा हो जाएगा पूरा कर्नाटका वाला क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा हमारा तेलंगाना वाला क्षेत्र। मतलब दक्कन के पठार में दक्कन का पठार, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र कर्नाटका वाला, फिर आएगा तेलंगाना वाला। पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार में 3 क्षेत्र, एक आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन, एक आ जाएगा हमारा यहीं पे छोटा नागपुर का पठार और एक आ जाएगा हमारा दंडकारण्य वन या फिर महानदी बेसिन। बात करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर पूर्वी पहाड़ियों की, तो पूर्वी पहाड़ियों में शिलोंग आ जाएगा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम और बात करते हैं और क्या चीज़ें छूट जाती हैं, तो फिर हमारा जो भाग छूटता है वो हो जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पूर्वी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान से लगे हुए हैं उसके किनारे में तटीय मैदान पाए जाते हैं, तटीय मैदान पाए जाते हैं, समुद्र के द्वारा लाए गए अवक्षेपों से, नदियों के द्वारा लाए गए अवक्षेपों से इन मैदानों का निर्माण हुआ है जिन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले हमने देखा केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि। केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन सा भाग है, तो पहला आ जाता है हमारा मालवा, मध्य प्रदेश में है, फिर आता है बुंदेलखंड की मस्तानी थी, फिर आता है बघेलखंड, रीवा पन्ना वाला क्षेत्र है जहाँ से सफ़ेद शेर मिलते हैं,
फिर आता है अरावली। अरावली वह पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और इसी पर राष्ट्रपति भवन रायसेना हिल्स में बना हुआ है। एक आता है सतपुड़ा। सतपुड़ा से ही नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। फिर एक और अगर आप लिखना चाहें तो इसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को भी लिख सकते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में भांडेर, कैमूर और पारसनाथ जैसी पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। तो ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग की बात करें अगर कि दूसरा क्या भाग है, तो दूसरा भाग है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप में तीन पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। कौन कौन सी, तीन पठार आते हैं, सॉरी, तीन पठार कौन कौन से आते हैं? तो पहला जो आता है वो होता है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र के पठार को ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है। अगला आता है हमारा मैसूर, मैसूर या फिर कर्नाटका का पठार, या फिर कर्नाटका का पठार की यार लिख देती हूँ मैं। अगला आता है हमारा तेलंगाना का पठार या फिर आंध्र प्रदेश का पठार। तेलंगाना पठार या फिर आंध्र प्रदेश, एपी लिख देते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश का पठार। तीसरे पठार की बात करें, तीसरे विभाजन की, तीसरा जो है वो है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, पूर्वी पठार के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। जो पहली चीज़ आती है वो होती है इसके अंदर दंडकारण्य। दंडकारण्य, दंडकारण्य वन का क्षेत्र आता है। छोटा नागपुर का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार आता है। और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। चौथा जो भाग है वो है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार को दो भागों, एक भाग में बांटा गया है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार को केवल एक भाग में बांटा गया है जो है मेघालय पठार या फिर शिलोंग पठार, जिसमें तीन पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं हमें, गारो खासी और जयंतिया। पांचवा जो है वो आता है हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपी पठार, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया हमारा पश्चिमी घाट और दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट। ठीक, अब इन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में या इन पठारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं जो हमने अब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम मालवा की। मालवा जो है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो नीचे वाला भाग है, मतलब इंदौर, उज्जैन, भोपाल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे मालवा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का 28% यह क्षेत्र अकेले वहन करता है। साथ ही साथ में ये काली मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। बात करते हैं दूसरा बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड जो है वो ऊपर वाला क्षेत्र है, राजा छत्रसाल वाला क्षेत्र है, जो कि बुंदेला राजा माने जाते हैं। वहीं हमारा जो टीकमगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो हमारा भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है वो राजा छत्रसाल बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। बात करते हैं बघेलखंड की। तो बघेलखंड रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक, मतलब राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई श्रृंखला है। बात करते हैं सतपुड़ा की। सतपुड़ा को तीन भागों में बांटा गया है, मैकाल पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला और राजपीपला की पहाड़ियाँ। यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, बैतूल के मुलताई से। बात करते हैं महाराष्ट्र पठार की या फिर दक्कन ट्रैप की। तो दक्कन ट्रैप जो है ये नीचे स्थित है, महाराष्ट्र के पास वाले भाग में स्थित है और लावे की परत दर परत जमने के कारण ये बहुत ज़्यादा कठोर स्थान है और यहाँ से इतना उत्खनन नहीं हो पाता खनिज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत प्रेशर लगेगा इसके उत्खनन के लिए। बात करें मैसूर पठार की, तो मैसूर पठार कर्नाटका वाले क्षेत्र में ही नीचे वाले क्षेत्र में पाया जाता है और तेलंगाना पठार यहाँ पर पाया जाता है। पूर्वी घाट, पूर्वी पठार की बात करें तो इसमें आता है दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन जो है वो छत्तीसगढ़ का भाग है, छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन भी छत्तीसगढ़ का ही भाग है। छोटा नागपुर की पठार की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार जो है वो झारखंड में स्थित है। इसे कहीं कहीं रांची का पठार भी कहा जाता है। दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती हैं। एक तरफ से दामोदर नदी यहाँ से बहती आती है और एक तरफ से स्वर्ण रेखा नदी बहती आती है। बात करते हैं मेघालय पठार की। मेघालय पठार यहाँ पर जिसे शिलोंग पठार भी कहा जाता है, तीन भागों में बटा हुआ है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करते हैं। देखिए,
अब सबसे पहले ये जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सबसे पहले ये हमारा भारत का दक्षिण भारत का क्षेत्र है। भारत के दक्षिण भारत के क्षेत्र पे इस तरफ में पश्चिमी घाट और इस तरफ में पूर्वी घाट दिखाई देता है। पश्चिमी घाट इस तरफ दिखाई देते हैं और पूर्वी घाट इस तरफ में दिखाई देता है। इन दोनों के मिलन बिंदु को नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है इन दोनों का मिलन बिंदु बनाती हैं। बात करेंगे पश्चिमी घाट की। देखिए पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है। कहा जाता है सह्याद्री कहा जाता है। साथ ही साथ में इसे ही प्रायद्वीपी भारत की महान कगार प्रायद्वीपी भारत की महान कगार कहा जाता है पश्चिमी घाट को। यह ऊपर कन्याकुमारी, नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक नीचे फैला हुआ है। यहाँ पर इसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं इन दोनों घाटों को मिलाती हैं। साथ ही यह सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला स्थान है क्योंकि वर्षा यहाँ पर सर्वाधिक होती है। हमने देखा कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, मतलब नॉर्थ जो भाग है, वहाँ पर वर्षा ऐसे होती है, मतलब हवाएं जो हैं वो इस शेप में, मतलब क्लॉकवाइज चलती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो भारत में क्योंकि हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और ये जो भाग है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊँचा है, और ऊँचा होने के कारण ये जल को, हवाओं को रोक लेता है और वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है, परंतु इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। इसकी तीन जो हैं वो चोटियाँ हैं जो प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है। एक है अनाई मोड़ी, एक है कुंद्रेमुख, और एक हो जाती है कलसुबाई, और एक हो जाती है अनाई मुड़ी। ये तीन ऊंची चोटियां हैं जो कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर पड़ती हैं। अनाई मोड़ी अन्ना मलाई चोटी की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है। बात करते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों में मेजर अंतर क्या होगा। देखिए पूर्वी घाट जो है अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। क्यों? क्योंकि टक्कर यहाँ पे हुई थी ना, टक्कर इस भाग में, जब टक्कर हुई तो इस भाग में लावा उद्गारित हुआ, और लावा के उद्गारित होने के बाद एक के बाद एक जब प्लेटें बनती गई, ऊपर चढ़ती गई तो ये क्षेत्र ऊंचा हो गया। वहीं ये क्षेत्र जो है वो दब गया। क्योंकि ये क्षेत्र ऊंचा है, वर्षा यहाँ पर ही होगी, क्योंकि जल को और हवाओं को ये क्षेत्र रोक लेगा और वर्षा यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं जब हवाएं क्लॉकवाइज ही चल रही हैं और हवाएं ऐसे बहती हैं, तो यहाँ पर क्योंकि कोई क्षेत्र नहीं है जो कि इनको रोक सके, इस वजह से यहाँ वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, और वर्षा जो है वो आगे हमारा मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर होती है सीधे जाकर, क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी रोकने के लिए नहीं है, तो सीधे जो वर्षा है हवाओं के द्वारा वो मेघालय पे की जाती है। इस कारण से भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान चेरापुंजी मेघालय में स्थित है। और हम देखते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी एक चेरापुंजी मेघालय वाला, और दूसरा हमारा पश्चिम घाट ही है, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है इस क्षेत्र में। ये जो पश्चिमी घाट है, ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और ऊंचाई ज़्यादा के साथ साथ ढलान जो है वो दूसरी तरफ में है। ढलान की बात करें कि ढलान आपको कैसे पता चलता है कि हमारा जो भारत है वो ऐसा है, ऐसा मतलब ये इस साइड ये ऊंचा है और इस साइड ये नीचा है, और ढलान कुछ इस तरीके से है। क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि आप कृष्णा ले लीजिए, कावेरी ले लीजिए, गोदावरी नदी ले लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियों की आप बात करते हैं, महानदी की, तो सारी नदियों का ढाल जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और यहाँ से नदियाँ उद्गमित होती है, परंतु इस तरफ की ओर बहती हैं, इसका मतलब है ढाल इस साइड में मिलता है उन्हें।
बात करें नर्मदा और ताप्ती नदियों की, तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो इस तरफ इसीलिए बहती हैं क्योंकि उन्हें वो क्षेत्र मिल ही नहीं पाता जिससे नदियां लौट सकें। नदियों को जो क्षेत्र मिलता है वो रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र होता है, भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र होता है, जिस वजह से नदियां ना तो लौट सकती हैं, इस वजह से मजबूरी में उन्हें इस तरफ बहना पड़ता है। तो पश्चिमी घाट की तरफ वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वहीं पूर्वी घाट की तरफ वाली नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो पूर्वी घाट की तरफ ही समाहित होती हैं। इन नदियों में बहुत ज़्यादा अवसाद नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो चट्टाने हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा कड़ी चट्टाने हैं जिनका जो नदियां हैं आसानी से अपरदन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बड़े डेल्टा का निर्माण तो होता ही नहीं है, एश्वरी का निर्माण होता है और यहाँ पर होता है डेल्टे का निर्माण। ठीक, देखिए अब बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ की, जो कि यहाँ पर नीचे स्थित हैं। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। यहीं पे नीचे इलायची की पहाड़ियां, जिन्हें ही कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है, यहीं पर स्थित है नीलगिरी के दक्षिण में। बात करते हैं पूर्वी घाट की, तो देखिए आपको अंतर समझ में आ गया होगा, आपको सीधे यहाँ से पश्चिमी घाट का उल्टा करना है। ठीक, जैसे कि पश्चिमी घाट ऊंचाई बहुत ज़्यादा है पश्चिमी घाट की, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, तो यहाँ पर पहली बात तो इसकी ऊंचाई कम हो गई, दूसरी बात पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है वो एश्वरी का निर्माण करती है, वहीं पूर्वी घाट की नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनके पास ढलान बहुत ज़्यादा है पश्चिमी घाट के पास, वहीं पूर्वी घाट के पास ढलान बहुत कम है, मतलब ढलान सीधे सीधे पूर्वी घाट की तरफ ही आता है। बहुत ज़्यादा दबा हुआ क्षेत्र है, निचला हुआ क्षेत्र है। जब यह क्षेत्र दबा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढलान है तो नदियाँ सीधे यहाँ आएंगी ना, तो अधिक नदियाँ कहाँ पर समाहित होती हैं, तो अधिक नदियाँ जो है वो इस तरफ में समाहित होती हैं। वहीं खनिज की बात करें तो खनिज का क्षेत्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कहा जाता है, वो यहाँ पर स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश से लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का एक जिला है सिंगरौली। सिंगरौली में एशिया की सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में हम देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पूरा दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खनिज वाला क्षेत्र था और इसके अलग होने के कारण मध्य प्रदेश को आर्थिक नुकसान ही प्राप्त हुआ। तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे खनिज हमें दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि जैव विविधता के कारण। धीरे धीरे जब दक्षिण भारत का क्षेत्र जब नीचे से अफ्रीका के पास से उठ के ऊपर तक आया तो इसमें बहुत लंबा टाइम लग गया, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे दिखाई दिए और उनके मरने से बहुत सारा जो क्या बोलते हैं बहुत सारे अवशेष जमा होते गए और जिनकी वजह से आज हमें अलग अलग प्रकार के खनिज यहाँ पर दिखाई देते हैं। वहीं यूरेनियम भी हमको दिखाई देता है, लेकिन यूरेनियम हमको ऊपर साइड में दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है खनिज से परिपूर्ण क्षेत्र है। वर्षा की बात करें तो पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, साथ ही साथ में शिवालिक, साथ ही साथ में हम देखते हैं कि मेघालय जो है जिसका शिलोंग पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वह भी जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए अब हमने दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पूरा का पूरा पढ़ लिया है, अब हमारी नॉर्मल से कुछ भी चीज़ें बची नहीं हुई है, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो हम इसे बाद में ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।